स्टॉक मार्केट की पाठशाला और शेयर मार्केट का ए टू जेड नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है कुछ खास गेस्ट जो आज की घड़ी में शेयर मार्केट के उन टॉप लोगों में से एक है जो एक इंफॉर्मेशन सोर्स बन गए हैं उन सभी के लिए जो शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं जिनको अमीर बनने का सपना पूरा करना है चलिए फिर आपके सपने पूरे करने के लिए जो आपके रास्ता बताने वाले हैं आपको रास्ता बताने वाले हैं उस खास व्यक्ति से मिलते हैं मुलाकात करते हैं स्वागत करते हैं भारतीय शेयर मार्केट के आदि अध्यक्ष और संस्थापक लाखों युवाओं के प्रेरणा स्थान प्रोफेसर रविंद्र भारती सर का सर स्वागत है स्टॉक मार्केट की पाठशाला इस खास प्रोग्राम में मित्रों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और इसी बारे में हम सर से जानकारी लेंगे चर्चा करेंगे और आपके मन में जो भी सवालत है उसके जो आंसर है वो जानने की कोशिश करेंगे सर पहला सवाल यह है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इसमें फर्क क्या है और इसका जो फायदा है वो क्या है अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो लोग उनके लिए अभी जनरली क्या हो रहा है बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं मार्केट में जब लोग एंट्री करते हैं तो उनका सबसे पहला फोकस होता है कि बाई सेल कैसा करते हैं मार्केट में फिर बाई सेल करने के बाद में उनको ये प्रॉब्लम आता है कि मैं कौन सा शेयर बाय करूं अभी मुझे भी समझना चाहिए कि कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए फिर वो थोड़ा बहुत प्राइस का अंदाज़ा लगा के पहले बाय सेल करते हैं फिर उनके बाद उनको समझ में आता है कि मुझे प्रोफेशनली करना होगा तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा मुझे फंडामेंटल एनालिसिस पता करना पड़ेगा मुझे चार्ट देखने पड़ेंगे तो फिर उसके बाद उस उनको समझ में आता है फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत सारे मार्केट में ऐसा ये हुआ है कि मार्केट में ऐसा चल रहा है कि जनरली दो ग्रुप्स है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के फॉलो करने वाला अलग एक ग्रुप है और फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करना अलग वाला अलग ग्रुप है बहुत सारे लोग आ, लोगों का ऐसा मानना है मार्केट में कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखना है तो टेक्निकल एनालिसिस ही ज़रूरी है और फंडामेंटल एनालिसिस वाले बोलते हैं कि आ, हमको अगर तुम आपको शेयर में अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आपको फंडामेंटल बहुत जरूरी है तो दोनों चीज़ें उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल एनालिसिस भी जो मार्केट में रियल एक्सपर्ट है जो समझ जिसमें जिसको हंड्रेड मार्केट समझ में आता है वो दोनों चीजें देखता है वो पहले देखता है कि मार्केट का ब्रॉडर व्यू क्या है मार्केट में माइक्रो uh, एनालिसिस uh, 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 क्या चल रहा है मार्केट में सेक्टर में क्या चल रहा है कंट्री uh, के ग्रोथ में क्या चल रहा है उसके बाद सेक्टर के ग्रोथ में क्या चल रहा है उसके बाद वो स्टॉक पे आते हैं फिर स्टॉक में आने के बाद स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है फिर उसका मैनेजमेंट कौन है उसका मैनेजमेंट कौन है कंपनी का ओनर प्रोमोटर कंपनी का कौन है कंपनी का प्रोडक्ट क्या है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है फिर वो उसके बाद मैं कंपनी अगर मैं लेने कितने टाइम के लिए मैं होल्ड करने वाला हूँ कंपनी सब ये चीज़ें उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का रोल आता है कि अभी का जो प्राइस है वो कौन से लेवल पे है वो नीचे के लेवल पे है या अप लेवल पे है तो ये सब चीज़ों के लिए हमको मार्केट में आने से पहले टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों से पहले हमको मार्केट में हमारा खुद का नजरिया और खुद को क्या करने वाले हम लोग हम लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने वाले हैं या हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये हमको देखकर फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना है कितना फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना है और मुझे क्या देखकर मार्केट में ट्रेड लेना है ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है सर इन्वेस्ट uh, हो चाहे ट्रेडिंग हो हुँ. ये दोनों चीजें करते समय जो करना चाहिए वो होता है एनालिसिस हाँ. तो आपने जो बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो ये दोनों दो चीजें हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म तो इन दोनों में क्या फर्क है अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें क्या फर्क है अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या अभी समझो समझो मैं पांच लाख रुपए मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ पांच लाख रुपए मार्केट में यूज इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा व्यू क्या है और मेरा गोल क्या है उस पांच लाख रुपए को लेके मुझे समझो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उस पांच लाख के तीन साल में पांच साल में मेरा दस लाख रुपये होना चाहिए और दस लाख होने के बाद मुझे गाड़ी लेना है या फिर मैं उस पाँच लाख का मुझे मेरे समझो बीस साल बाद मेरे पंद्रह साल बाद बीस साल बाद मेरे बच्चों का बेटी की मुझे शादी करनी है बीस साल बाद तो वो पाँच लाख रुपये में बीस साल के व्यू से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या वो पाँच लाख रुपये के ऊपर मुझे ट्रेडिंग करके हर महीने मुझे पचास हज़ार बनाना है ये सब के ऊपर डिपेंड है हर आदमी अपना पैसा मार्केट में लेके आता है अपना कैपिटल मार्केट में लेके आता है तो उसका एक व्यू होता है कि उस पैसे से उसको क्या करना है तो मेरा ट्रेडर से यही मानना है कि थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके कर मार्केट में आना चाहिए तो अपने भारतीय शेयर मार्केट जैसे हमारे अलग अलग कोर्सेस होते हैं हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि पहले पहले थोड़ा कर स्टार्ट करो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो तो फिर सीखना चाहिए सीखना बहुत जरूरी है तो सीखना चाहिए मतलब एनालिसिस करना चाहिए तो फिर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन दोनों का एनालिसिस कैसे करें हाँ तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करने के लिए अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस अगर आपको करना है जी। तो आपको मैंने जैसे बोला कंपनी का प्रमोटर्स पहले सब देखो क्योंकि प्रमोटर मतलब गाड़ी चलाने वाला वो ड्राइवर है है प्रमोटर कंपनी का उसके ऊपर इंपॉर्टेंट गाड़ी कितने भी अच्छी हो और ड्राइवर खराब हो तो प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको कंपनी के प्रमोटर देखना चाहिए फिर कंपनी का वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा अभी जैसे एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कोई कोई कैमरा बनाने वाली कंपनी है जो प्रोफेशनल कैमेराज बनाती है और कोई ये कंपनी है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो दोनों में से अगर चूज करना किसी कंपनी का स्टॉक चूज करना है तो मैं अब ऑब्वियसली हंड्रेड परसेंट मैं क्या एनालिसिस करूंगा कि अभी देखो कि कैमरा बनाने वाली कंपनी जो है अभी कितने लोग कैमरा यूज कर रहे हैं मार्केट में उसका मार्केट का साइज कितना है राइट right. तो उसका मार्केट साइज कितना है तो बहुत कम लिमिटेड लोग अभी जो प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करते हैं जिनका बिजनेस है वही लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि लेकिन जो रिटेल सब पब्लिक जो है जनता किस पे आई है मोबाइल पे आई है तो मैं क्या करूंगा मोबाइल क्या होता है मोबाइल हर हर साल हर दो साल में आदमी क्या करता है मोबाइल अपग्रेड करता है नया, नया मोबाइल लेता है मतलब मोबाइल का क्या है रीसेल वैल्यू और रिपीटिंग वैल्यू भी ज्यादा है कंट, बार बार मोबाइल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और मोबाइल तो यूज करना ही है सबको आगे जाके भी मोबाइल पे ही सारी चीजें ये हो रही है तो आने वाले दस साल के लिए मुझे अगर कोई किसी शेयर लेना है तो मैं ऑब्वियसली मैं कैमरे की कंपनी अवॉइड करूंगा मैं क्या करूंगा मोबाइल कंपनी के शेयर लगा तो ये प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं शेयर ले रहे हैं उस कंपनी के वो प्रोडक्ट कितने साल चलने वाला है ये थोड़ा बहुत एनालिसिस हमको समझ में आता है फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे उस कंपनी के ऊपर लोन है क्या कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए लोन अगर नहीं होता है तो इंटरेस्ट में पैसा नहीं जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है यार कंपनी के पास कैश है कंपनी खुद के पैसे से धंधा कर रही है कंपनी को लोन लेने की जरूरत नहीं है फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है दस परसेंट से ऊपर कम से कम नेट मार्जिन होना चाहिए खाली टर्न से बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि कंपनी ऊपर कब जाएगा शेयर का वैल्यू शेयर होल्डर को प्रॉफिट कब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा तभी तो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो ये सारी चीजें कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है क्या हर साल सेल्स ग्रोथ कंपनी की क्या है ये फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको टेक्निकल फॉलो करना पड़ेगा कि कंपनी का सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल क्या है कंपनी का मूविंग एवरेज क्या है पचास का सौ का दो का कौन से मूविंग एवरेज पे अभी कंपनी काम कर रही है फिर उस हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को अगेन मैंने जैसे कहा कि उनको स्ट्रैटी बिल्ड करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एकदम मार्केट से तुरंत स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकलना चाहिए क्योंकि छोटे लॉस में और ट्रेडर के लिए दो पर्सेंट से ऊपर कैपिटल के स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए अगर मेरा एक लाख रुपए मेरा मार्जिन से मैं ट्रेड कर रहा हूं ना मार्केट में तो दो हजार मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे पास स्ट्रैटर्जी होना चाहिए मैं कौन से कैंडल के ऊपर काम कर रहा हूँ पांच मिनट एक मिनट दस मिनट या एक घंटे के हॉर्ली कैंडल के ऊपर काम करो खुद का स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी

लेकिन आप देखो हिस्ट्री में कभी भी जाके देखो 2000 में मैंने हमेशा बोलता हूँ 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ आ, हमारे सामने पिछले 20 बाईस साल की हिस्ट्री देखते हैं हम लोग डॉट कॉम बबल हुआ आईटी के स्टॉक गिर गए फिर पूरा मार्केट गिर गया 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हो गया रियल इस्टेट का ये हो गया यूएस में फिर उसके बाद मार्केट फोर्टी सिक्सटी उस टाइम पर भी बहुत स्टॉक डाउन गए थे फिर हमारे उसके बाद इलेक्शन के 2014 के आसपास 15 में भी मार्केट डाउन आया था फिर कोरोना के टाइम पे भी मार्केट डाउन आया कोरोना के वजह से फिर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे मार्केट डाउन आया मतलब मार्केट डाउन आता ही है हमेशा मार्केट डिप देता है लेकिन उसके एक डेढ़ साल में क्या हुआ है मार्केट ने वापस नया लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है अभी भी देखो मार्केट डाउन था लेकिन अभी क्या किया है मार्केट ने वापस सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई अपना कल ही ब्रेक किया इसका मतलब क्या है लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है मार्केट नीचे जा रहा है बीच बीच में नीचे जा रहा है नए नए डिप दे रहा है लोज दे रहा है लेकिन बाद में क्या हो रहा है हाई तो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अच्छे स्टॉक अगर लेके रखता हूँ तो मुझे मेरा फायदा समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में यस मुझे सही में लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि मुझे एफडी में पैसा नहीं मिल रहा है मुझे रियल इस्टेट में रिटर्न नहीं मिल रहे मुझे गोल्ड में रिटर्न नहीं मिल रहे सबके रिटर्न इन्फ्लेशन के नीचे अगर मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न बनाने हैं तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट जैसा अच्छा ये नहीं है क्योंकि दुनिया में जो अमरे को लोग हैं, उनके लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी है और हम लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी इंडिया में ज्यादा इक्विटी नहीं है तो हम लोग वही कहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी आर्थिक साक्षरता ये जो लोगों तो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई सीखो मार्केट मार्केट आपके संपत्ति का कुछ तो हिस्सा बीस पच्चीस तो इक्विटीज में शेयर्स में कंपनी के अच्छे अच्छे बिजनेस में होना चाहिए तभी आपको ग्रो, ग्रोथ मिलेगी आपके बच्चों को ग्रोथ मिलेगी और आपके फैमिली को ग्रोथ मिलेगी अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो आपको इक्विटी में स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर पांच साल के ऊपर का आपका मार्केट में नजरिया है तो आपके लिए ये बहुत सेफ है आप तो सर बेनिफिट के लिए इकोनॉमिकल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो लेकिन इसके लिए फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च क्या क्या करना चाहिए रिसर्च लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने वही अभी अभी मैंने जैसे हमने बोला कि प्रमोटर्स देखना है नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना है ये सब सारी चीजें वही देख के हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और धीरे धीरे हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं अभी मार्केट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना और मार्केट में ट्रेड करना चालू कर दे तो हमारा भी एक्सपीरियंस आता है धीरे धीरे और फिर एक एक्सपीरियंस से चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है जीरो सत्तर सत्तावन दस 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 यह नंबर बहुत ज़रूरी है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो जो भी सवाल आपके मन में है उसके आंसर जो है वो देने के लिए रविंद्र भारती सर यहाँ पर अवेलेबल है तो अगला सवाल ये है सर कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है कि फंडामेंटल तो उनका बहुत अच्छा है लेकिन रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है तो ये उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं अभी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है लेकिन रिटर्न्स नहीं मिलते तो वो कब रिटर्न्स नहीं मिलते वो मैंने जैसे बोला कि मैंने पहले भी कहा कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है लेकिन बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है जैसे प्रोडक्शन का कम हो गया या कुछ प्लांट के लिए कुछ वहां पे एक्सीडेंट हो गया कुछ प्लांट में उसके वजह से दस पंद्रह प्लांट को बंद करना पड़ा तो वैसे जैसे मैं, हमने देखा कि फंडामेंटल अच्छा हो लेकिन टेम्पररी प्रॉब्लम टेक्निकली प्रॉब्लम आ सकता है इसलिए टेक्निकल एनालिसिस भी मैं बोलता हूँ कि उतना ही जरूरी है जैसे हम लोग मैं क्रिकेट का ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जैसे हम लोगों ने देखा कि युवराज सिंह जो खेल रहे थे तो उनका फंडामेंटल बहुत अच्छा था लोग लेकिन जरूरी नहीं कि जिसका जो प्लेयर बहुत अच्छा है वो हर मैच में सेंचुरी मारे हुँ, हुँ. देख बराबर है बर, ना तो बीच में क्या हुआ फिर उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉग था लेकिन बीच में उनको कैंसर हो गया हुँ, मतलब हुँ. क्या हो गया उनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया जी. तो वो स, कब कब समझता है वो टेक्निकल एनालिसिस से समझता है कि कंपनी को टेम्पररी कुछ तो हुँ. ये है तो वो प्राइस के फिर प्राइस के एक्शन के बारे में हमको सीखना चाहिए फिर प्राइस को हमको फॉलो करना चाहिए तो वैसे है कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो लेकिन टेम्पररी उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आने से शेयर का रेट डाउन भी हो सकता है लेकिन हमारा व्यू ब्रॉडर है जैसे मैंने कहा लेकिन कितने भी डीप मारने दो मार्केट फिर नया क्या करता है नया हाई मारता ही है तो वैसे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है मेरा हमारा एक ही कंपनी में थोड़ी शेयर होता है हमारे हम लोग शेयर लेते हो तो आठ दस कंपनी का पोर्टफोलियो होना चाहिए तो एक आधा कंपनी में प्रॉब्लम आ गया तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाकी का एवरेज आपको मार्केट अच्छा रिटर्न आपको देके आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाता है

हम क्या बोलते हैं वो वैसा ही है वो वैसा ही करता है वो हम क्यों बोलते हैं वैसा ही करते हैं क्योंकि हमको हिस्ट्री का उसका एक्सपीरियंस है बराबर है ना कि जब जब ये इसका स्वभाव भी वैसा है क्योंकि वो वैसा ही रिपीट करने वाला है आगे जाके भी तो उससे हम लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे तो वैसे ही हमको हिस्ट्री में क्या हुआ है अभी देखो कोई हस्बैंड वाइफ को है जी. जब वो उनको शादी के बाद कई साल होते हैं तब उनको बिहेवियर समझ में आता है एक दूसरे का कि वाइफ ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हस्बैंड क्या जवाब देने वाला है वाइफ को पहले ही पता होता है yes. क्योंकि कि उसने पहला उसका चार्ट पढ़ा है पहले mm -hmm. पांच साल दस पांच दस साल उसका जो शादी हुआ है तो उसने उसका चार्ट पूरा पढ़ा है कि ये बोलने के बाद ये बिहेव होता है mm -hmm. ये बोलने के बाद ये बिहेव होता है तो जब शादी का पहला दिन था तब वो आईपीओ खोला था mm -hmm. फिर उसके बाद में क्या हुआ फिर जैसे जैसे उनका पैटर्न बनता गया जैसे जैसे वो आपस में बिहेव करने लगे उनको पैटर्न बनता गया और फिर वो पैटर्न अभी ऐसा बन गया है कि एक सवाल पूछा तो दूसरा क्या जवाब देने वाला है तो वैसा ही स्टॉक के बारे में है शेयर मार्केट के बारे में भी है तो आपको पता चलता है कि ये क्या प्राइस बिहेव कर रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही होती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस सब बढ़ के थोड़ा एनालिसिस करके स्टडी करके ये सारी चीजें मार्केट में पॉसिबल है रिटर्न बनाना सर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस लेने के लिए जानकारी होना नॉलेज होना इन्फॉर्मेशन मिलना yes, ये बहुत yes, ज़रूरी है और ये आधे घंटे में तो नहीं मिल सकती उतना पॉसिबल नहीं है सारा दिमाग में जाने के लिए तो इसीलिए जिन लोगों को एक्सपर्ट बनना है डिटेल में जानकारी लेनी है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में तो उनके लिए आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा कि उन्होंने क्या करना चाहिए जहाँ से उनको अच्छे से डिटेल में इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सबसे पहले मैं कि थोड़ा सा एनालिसिस करो अलग अलग वेबसाइट से इन्वेस्टिंग डॉट कॉम स्क्रीनर्स डॉट कॉम ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल सिखाया जाता है हुँ. और हो सकता है जिनको लोगों को पॉसिबल है वो लोग कोर्सेस करना चाहिए yes. प्रोफेशनल और धीरे धीरे सीखकर मार्केट में काम करना चाहिए लेकिन थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट एनालिसिस करके मार्केट में में आना चाहिए क्योंकि शुरुआत शुरुआत अगर कर रहे हैं और में हम लोग बड़ा लॉस करेंगे तो फिर हम मार्केट से निगेटिव हो जाएंगे तो शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा स्टडी करके एनालिसिस करके एक्सपर्ट लोगों के व्यू लेके थोड़ा सा पेशेंस रख के स्टार्ट कीजिए मार्केट आने वाला समय आपका ही है बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है इक्विटी में इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है बहुत सारी कंपनियाज मल्टीबिलियर स्टॉक आपको मिलने वाले मल्टी बैगर स्टॉक आपको मिलने वाले हैं लेकिन आपको होल्ड होना चाहिए आपका मार्केट में और आप मार्केट में जब स्पीच पे टिके रहोगे तो रन्स ऑटोमेटिकली बनेंगे लेकिन आपको स्पीच पे टिकना है yes. और हमेशा स्पीच पे बने रहना है जी बिल्कुल yes, yes. uh, भारती सर बहुत ही आसान शब्दों में आपने मार्गदर्शन किया है और ये बहुत ही क्रिटिकल वैसे बोला जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको फंडामेंटल एनालिसिस समझता नहीं है और एनालिसिस ही काफ़ी डिफिकल्ट जाता है तो uh, जैसे आपने बोला कि कोर्सेज करना चाहिए और आप भी अवेलेबल रहते हैं हमारे पास भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं तो यस मित्रों हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे कि भारतीय शेयर मार्केट से आप बहुत सारा मार्गदर्शन ले सकते हैं तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की पाठशाला इस हमारे खास कार्यक्रम में वक्त हो चुका है यही रुकने का ए टू जेड नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट ऐसे ही आपके लिए लेते आएंगे और यस प्रोफेसर रविंद्र भारती के साथ मिलते रहेंगे एक मह, जो इम्पॉर्टेंट नंबर है वो नोट डाउन कर लीजिए ज़ीरो सेवन जीरो मतलब शून्य सत्तर सत्तावन दस 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 ये नंबर आपके मोबाइल में फिट कर लीजिए और जो भी सवाल होंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो हमें आप पूछ सकते हैं तो फिर से नए सब्जेक्ट के साथ मिलते रहेंगे हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट की पाठशाला थैंक यू सो मच